नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। हालांकि इससे पहले नई सरकार का गठन हो, नई सरकार के गठन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद अब जल्द ही नई सरकार की गठन की भी प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें कि आमतौर पर जब भी नई सरकार की प्रक्रिया शुरू होती है तो उससे पहले इन जो पदों से इस्तीफा देने की जो आम प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। लिहाजा अब देखना यह होगा कि एनडीए गठबंधन आने वाले समय में कब तक सरकार बनाती है और किस तरीके से नई सरकार का गठन होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में जहां यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा तो वहीं सपा ने अपना पर्चा लहराया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पूरी तरह से हिट हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने जहां 37 सीटें जीते हैं वहीं राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली हैं। और इस चुनाव में जहां इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त मिली है यूपी से, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में 8 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, यहां तक कि 2 कैबिनेट मंत्रियों के बेटों को भी हार का सामना करना पड़ा है। बात करें लोकसभा 2024 की तो लोकसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का गठबंधन कर लिया। दोनों नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की बात कही थी। वहीं राहुल गांधी ने तमाम ऐसी योजनाओं के बल पर यूपी की सीटों पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। इसमें मुलायम परिवार के ही 5 ऐसे सदस्य हैं जो सांसद बन चुके हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 7 दलित चेहरे भी जीत दर्ज करा चुके हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में 13 सीटों में से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। यहां तक कि अब यह भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में भगवा का रंग लाल हो गया है। रामनगरी अयोध्या के साथ साथ उसके अगल बगल सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के साथ साथ 3 मंत्रियों ने भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए इससे बीजेपी भी पूरी तरह से चौकन्ना है और सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी की हार के पीछे उनके ही प्रत्याशियों के खिलाफ उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुगलबंदी भी कही जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशियों के साथ हाथ हुआ है। अब फिलहाल बीजेपी अभी पर मंथन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जोश हाई है और साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं का जोश भी पूरी तरह देखते बन रहा है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
बात करेंगे अगली खबर की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नतीजे आने के बाद पहला बयान सामने आया है। क्या है वो बयान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा 2024 के इलेक्शन में बसपा को बड़ा झटका लगा है। यूपी की 80 सीटों में किसी भी सीट पर बसपा के प्रत्याशी नहीं जीत पाए। चुनावी नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमान प्रत्याशियों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर फोड़ा है। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 का इलेक्शन अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मायावती के लिए काफ़ी चौंकाने वाला रहा। यूपी में किसी भी सीट पर उनके प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाए। चुनावी नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमान प्रत्याशियों और पिछड़े वर्ग की जातियों पर फोड़ा है। एक प्रेस नोट जारी कर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि हमने मुसलमान प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वह अपने ही वर्ग के लोगों का वोट नहीं पा सके। वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों का भी वोट उन्हें हासिल नहीं हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा है कि उनका जो कोर वोटर है यानी दलित वोट बैंक 3 हिस्सों में बढ़ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती की चिंता भी बढ़ गई है और राजनीतिक क्षेत्र में उनके अस्तित्व का संकट भी गहरा गया है। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि अब वह आत्ममंथन करेंगे। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले बसपा के कई सांसद दूसरे दलों का रुख कर चुके थे और साथ ही साथ उन पर कई बड़े और जुबानी हमले भी हो चुके थे, ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का दांव मायावती पर ही भारी पड़ गया। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया का जादू चल गया और बात करें प्रयागराज की तो यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। 2024 के चुनाव में संगम नगरी प्रयागराज की भी दो लोकसभा सीटों पर, एक पर कांग्रेस ने तो एक पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित की। दिलचस्प मुकाबला इलाहाबाद संसदीय सीट पर रहा, जहां पर उज्जवल रमन सिंह जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उन्होंने बड़े अंतर से जीत को दर्ज किया। उज्जवल रमन सिंह का राजनीतिक कैरियर काफ़ी पुराना है। उनके पिता जो रेवती रमन सिंह हैं वो कई बार के उस इलाके में विधायक रहे हैं, उसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं। इस बार उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिस पर उन्होंने जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हैं नीरज त्रिपाठी जो वरिष्ठ भाजपा नेता केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे थे उनको एक तरह से शिकस्त दी है। इस शिकस्त के कई माने निकाले जा रहे हैं। उज्जवल रमन सिंह जिस तरह से इस बार जीते हैं, चुनाव से थोड़े ही पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और ये कहा जाता था कि दो राजनीतिक घरानों के बीच का ये मुकाबला है और उसमें कहीं ना कहीं रेवती रमन सिंह भारी पड़े, जो उज्जवल रमन सिंह के पिता है और उनके बेटे ने यानी उज्जवल रमन सिंह ने एक बड़े अंतर से जीत अर्जित की। उसी तरह से जो फूलपुर की सीट है वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य है उनको भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है प्रवीण पटेल, जिनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया था, उन्होंने उनको हराया और इस तरह से कह सके दो सीटों में एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन ज़्यादा चर्चा उज्जवल रमन सिंह की इसलिए भी हो रही है कि जिस तरह से जिस परिस्थिति में वो चुनाव मैदान में आए थे, एक तरह से जो उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है, उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास है और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के केसी देवी के बेटे नीरज त्रिपाठी का राजनीतिक इतिहास था, सबकी निगाहें लगी हुई थी। लेकिन आखिरकार नतीजा उज्जवल रमन सिंह के फेवर में आया और उज्जवल रमन सिंह ने इस जीत के साथ अपनी राजनीतिक साख को और मजबूत किया है और जो अपने पिता का रेवती रमन सिंह का राजनीतिक कैरियर है उसको और मजबूती प्रदान की है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि उज्जवल रमन सिंह अपने क्षेत्र का किस तरह से विकास करते हैं और क्षेत्र की जनता ने जो उन पर विश्वास किया है उसको वो कैसे निभा पाते हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
बात करेंगे अगली खबर की। कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल केदवई। सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व, भारत का महापर्व लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए। नतीजे आपके सामने हैं। इंडिया वाइज टीवी पर आपने पूरे देश भर के नतीजों को देखा। सारी पिक्चर क्लियर है, किसको कितनी सीट मिली है सब आपके सामने है। जहां तक कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, यहां पे मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सुश्री सरोज पांडे और कांग्रेस की डॉक्टर ज्योत्सना महंत के बीच था, जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की धर्म पत्नी है। और आपको बता दूं कि ये चुनाव कोरबा लोकसभा सीट का चुनाव ज्योत्सना महंत ने 43,000 वोटों से अधिक में जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट में से मात्र एक सीट कोरबा लोकसभा की है जो कांग्रेस की झोली में गई। इसके अलावा बता दें कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण लोग बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बात कर रहे हैं, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हार का क्या कारण है, तो उसका पहला कारण ये बताया ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में प्रचार करने में व्यस्त रही, वहीं पर कांग्रेस जो है वो गांव के अंदर अंदर जाकर नुक्कड़ सभाएं लेकर के वहां पे उसने जाकर के प्रचार किया और कोरबा लोकसभा की 8 विधानसभा सीट में मतदाताओं के बीच में जाकर पैठ बनाने में सफल रही। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि खुद बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी को मात दिलवा दी। उसका कारण ये बता रहे हैं कि अगर बाहर का प्रत्याशी कोरबा लोकसभा सीट में थोपा जाएगा तो यहाँ के नेता क्या करेंगे। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन कोरबा लोकसभा सीट मात्र एक सीट ऐसी थी जहाँ से ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अमेठी सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी को इस बार कांग्रेस ने मात देकर फिर से अपनी पकड़ बना ली है। अमेठी में क्या है नजारा बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। के महापर्व का रिजल्ट कल 4 जून को आ गया है। बात करें देश व प्रदेश की सबसे चर्चित व हॉट सीट अमेठी की, तो अमेठी में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी मैदान में थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से गांधी खानदान के सबसे करीबी किशोरीलाल शर्मा मैदान में थे। देखा यह जाए तो अमेठी में दोनों पार्टियां दमखम के साथ इस गढ़ को जीतने में लगी थी। कहा यह जाता है कि यह गांधी खानदान का गढ़ रहा है, गांधी खानदान की विरासत मानी जाती है। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने गांधी खानदान के इस अभेद किला को भेदते हुए राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। उसके बाद से वो लगातार अमेठी में सक्रिय रहीं, अमेठी की जनता की सेवा करती रहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने करीबी केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा। वहीं अमेठी की जनता ने केएल शर्मा पर विश्वास जताते हुए रिकॉर्ड मत, बात करें तो लगभग 1,67,000 वोटों से अमेठी में केएल शर्मा को जिताया है। अब देखना ये होगा कि जीतने के बाद केएल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमेठी की जनता का एहसान हमारे ऊपर है, ये जीत जो है वो राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी की है और कहीं ना कहीं गांधी खानदान की जीत है। वहीं उन्होंने कहा कि इस एहसान का बदला हम अमेठी की जनता को विकास करके वापस करेंगे। वहीं हार के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी जो है वो संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है और साथ ही साथ चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी केएल शर्मा को स्मृति ईरानी ने बधाई भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा करेंगे
और हम अमेठी की जनता के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दूसरी तरफ बात करें केएल शर्मा की, तो जो अमेठी की जनता है, जो अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जैसे ही उन्हें केएल शर्मा की जीत का प्रमाण पत्र मिला, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेसियों द्वारा नाच गाना और साथ ही साथ आतिशबाजी भी की गई। अब देखना ये होगा कि अमेठी की जनता ने जिस विश्वास से 2024 का नया सांसद किशोरी लाल शर्मा को बनाया है, किशोरी लाल शर्मा कितना विश्वास अमेठी की जनता को दे पाते हैं, किस तरीके से अमेठी की जनता को विकास के रास्ते पर ले आ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने प्रदेश में महज 33 सीटें ही मिली। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। 2024 के चुनावी जनसभाओं से फुर्सत मिलने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनावी भ्रमण के दौरान जनता से मिले डायरेक्ट फीड के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अफसरों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों का यह दावा है कि इस बैठक में तमाम प्रमुख सचिव और बड़े अफसर शामिल होंगे। अफसरों को तमाम लेखा जोखा के साथ बुलाया गया है और सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी भ्रमण के दौरान जनता से डायरेक्ट फीड मिला था। कई ऐसे शिकायतें मिली थी जिसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव खत्म होने के बाद अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां विकास कार्यों को लेकर सजग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अफसरों को नसीहत भी देते रहते हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी फुर्सत के बाद यह बड़ी बैठक अफसरों के साथ करने जा रहे हैं, इसमें कई बड़े एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा फीडबैक भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चुनावी दौड़ में कई ऐसे जिलों से अफसरों की शिकायतें आई हैं विकास कार्यों को लेकर, चाहे या फिर कानून व्यवस्था को लेकर, फिलहाल अब देखना यह होगा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल बैठक के बाद क्या एक्शन लेते हैं। और सूत्रों का यह भी दावा किया जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कई जिलों के डीएम और एसपी पर भी गाज गिर सकती है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तरकाशी में देशभर में मशहूर सहस्त्रताल टैंक में गए 22 सदस्यों के फंसे होने की खबर सामने आई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। सहस्त्रताल में ट्रैकर्स का जो सदस्य का ग्रुप है वो 29 मई को रवाना हुआ था और उनके जो वापस आने का समय था वो 7 जून था, लेकिन उससे पहले ही बेस कैंप में 4 लोगों की मौत का जो सामने आई थी, क्योंकि बीच में बेस कैंप से ऊपर जो ट्रैकर्स निकले थे उन्होंने ये जानकारी दी कि मौसम ऊपर ख़राब है जिसके कारण वो रास्ता भटक गए, कोहरा भी ऊपर अत्यधिक हो रहा था, जिसके बाद उनके लिए जो रेस्क्यू है वो आज शुरू किया गया है। 5 जून का दिन है और इसके लिए एसडीआरएफ ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स जो उन्हें प्रदान किए गए हैं, साथ साथ सेना की भी यहां पर मदद ली जा रही है। सेना के 2 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहां पर लगाए गए हैं, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं अभी यहां जहां मौजूद हूं वो सहस्त्रधारा हेलीपैड है और इसके पूरे अगर मैं बात करूं तो 22 सदस्यों का ये पूरा दल था, जिसमें 18 सदस्य महाराष्ट्र के थे और 3 की मैं बात करूं तो उसमें गाइड भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है जो तमाम जो लोग फंसे हुए हैं
हैं उन्हें ही निकाला जाए। अब तक की मैं बात करूं तो 10 लोगों को बचाया जा चुका है, उन्हें सहधारा लाया जा चुका है, देहरादून लाया जा चुका है और ट्रैकर्स की फिलहाल जाँच की जा रही है। 4 जने अभी भी बताए जा रहे हैं कि गुम है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें रेस्क्यू किया जाए और 4 लोगों की जो शव भी मिले हैं उनकी भी ये कोशिश की जा रही है कि उन शवों को जल्दी तक उनके घरों तक सपूत किया जाए, क्योंकि 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हुई। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो रेस्क्यू कॉर्पोरेशन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश पूरी सरकार की यही है जो ट्रैकर्स ऊपर गए हैं उनको जल्द से जल्द बचा लिया जाए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, करीब बताया जा रहा है 14,500 फीट की ऊंचाई में जो सहस्त्र ताल है उत्तरकाशी में उसका ट्रैक काफ़ी कठिन है। और जिसके बाद ये जो 22 सदस्यों का जो ग्रुप था जब ऊपर गया तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो चैलेंज उनके सामने आया, जो चैलेंज जब सामने आया तो कहीं ना कहीं वो उससे निपट नहीं पाए, जिसका कारण ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का पड़ रहा है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है उससे यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द जो ट्रैकर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द देहरादून लाए और उन्हें औपचारिक रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो यहाँ पर दिया जाए। फिलहाल SDRF लगी हुई है, सेना के हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर्स भी लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में I7 हॉस्पिटल में लगी है भयंकर आग। कैसे लगी आग बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच आगजनी की खबरों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आज राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार लाजपत नगर स्थित I7 अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बारे में सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की एक से एक करके लगभग 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद में शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस आगजनी की खबर में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर स्वाह हो गई। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और अब प्राथमिक तौर पर इस चीज में जुटे हुए हैं कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी। ये जांच एजेंसी लगातार अब इसमें जुट गई है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरिद्वार लोकसभा सीट पर विजय हुए बीजेपी सांसद परिवार और समर्थकों के साथ ने की गंगा पूजा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रचंड जीत के बाद आज त्रिवेंद्र सिंह रावत हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बेटी के साथ गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से मां गंगा का आशीर्वाद उनको टिकट मिलने पर प्राप्त हुआ और उसके बाद आज जब वो जीते हैं तो एक बार फिर से मां गंगा का धन्यवाद देने के लिए वो गंगा आरती करने यहाँ पर पहुँचे थे। आज गंगा आरती के बाद वो सीधा यहाँ से दिल्ली के रवाना होंगे, जहाँ पर वो एक पूरे संसदीय जो मीटिंग होनी है उसके लिए वो यहाँ से हरिद्वार से रवाना होकर वहाँ सम्मिलित होंगे, जिस पर उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो हरीश रावत हैं, हालांकि वो जिस तरह से उनके पुत्र यहाँ से उनके साथ हारे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से उन पर टिप्पणी करने से यहाँ पर इनकार किया। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाई है। ऐसे में बीजेपी के नेता से सांसद बने हुए हर्ष मेहरोत्रा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। विकास के कितने विकास अब देखने को मिलेंगे और पहले भी विकास पूर्वी दिल्ली में और पूरी दिल्ली में बहुत हुआ है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर डेवलपमेंट। आगे भी विकास जनता से बात करके जो उसकी आवश्यकता होगी पूरा करें। इंडिया गठबंधन की चौथे के 7 सीटें हमारी आएगी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री करके 7 सीटें अब जो है आम आदमी पार्टी की, क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के जेल का जवाब जो वोट से दिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया। कई कैंपेनिंग उन्होंने चलाई थी, आशीर्वाद कैंपेन का जवाब वोट से उन्होंने चलाई, वो जाने उन्होंने क्या किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? जनता के बीच में रहूंगा, उनके लिए सेवा करूंगा, जैसा वो चर्चा करके डिसाइड करेंगे, जैसी उनकी जरूरतें उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी बात कर रही है, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए
बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।